35 साल इंडियन पुलिस सर्विस की नौकरी यूपी में करने के बाद और आपसे कहता हूं लगन से करने के बाद 8 घंटे पर डे 35 साल कोई दे नहीं सकता। छुट्टियां पड़ेंगी, बीमारियां पड़ेंगी और फिर अभी तो एक दिक्कत और है सर्विसेज में, वहां तो दिन में बैठ के दफ्तर में गप्पे लगाते और गिनते हैं वो नौकरी में। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, काम की बात कर रहा हूं। 8 घंटे कोई नहीं दे पाएगा, मानो दे दिया किसी एक वर्कोलिक ने कर भी लिया तो 24 घंटे के दिन का 1/3 हो गया, 1/6 इज द कैप। एवरेज कैप इज कि आप अपनी जिंदगी का 16-17% अपनी नौकरी में आजीविका में बिताने वाले हो। और दिक्कत क्या हुई इससे, दिक्कत यह हुई कि अगर आपके पास एक टोकरी हो, उस टोकरी में आपकी जिंदगी पूरी की पूरी समाई हो और आप 16% लगाओ उसमें अपनी एनर्जी का, मानो 100%, तो उस टोकरी के बाहर की आपकी अपनी जिंदगी अनअटेंडेड जाएगी। कहने का मकसद यह है कि अगर आपने आजीविका को जिंदगी मान लिया, किसी ने 90% कहा, यहां तो कम है, आई हैव हर्ड पीपल सेइंग 100%, अच्छी बात है, और लोग लगाते हैं पूरी अपनी नौकरी को आजीविका को ऐसे ही जी जाते हैं जैसे कि वो उनकी जिंदगी थी नहीं, हो भी नहीं सकती, होएगी भी नहीं, लेकिन वो 100% मान करके बाकी अपनी ही जिंदगी का सारा 84% जो बाहर था छोड़ देते हैं। और नतीजा कि वो टोकरी के आपकी अपनी जिंदगी का 80-85-86% जो आपके नौकरी से बाहर था वो अनअटेंडेड गया, और जो चीज अनअटेंडेड जाएगी वहां दिक्कत होगी। आप यकीन मानना कि जो इस मानसिकता को लेकर जिएगा कि 90% उसकी जिंदगी का नौकरी है, वो पति पत्नी बीबी बच्चे माता पिता यार दोस्त सब सेकेंडरी नहीं टर्शियरी होंगे उनके अपनी जिंदगी में, नौकरी पहली चीज है, यही जीना है। पहले जिंदगी के 24-25-26-27 साल निकाले नौकरी पाने में, फिर 35 साल नौकरी की, और उसके बाद पलट पलट के जब मैं वहां था तो मैंने ऐसा किया और जब मैं वहां था तो मैंने ऐसा किया, सारी जिंदगी अगर आपने समा दी तो दिक्कत। और ये दिक्कत आज अपने देश और समाज में हो रही है, और ये दिक्कत हर उस समाज में होगी जहां रहने और जीने वाले लोग अपनी अपनी आजीविका को अपनी अपनी जिंदगी का उतना अहम हिस्सा मानेंगे जितना कि वो है नहीं। और कोई भी देश और समाज सिर्फ तब पनपता या बढ़ता है जब उसमें रहने वाले नौजवान अपनी नौकरी या आजीविका को छोड़ के उससे अलग भी अपने कर्तव्यों को कुछ समझते हैं या कुछ उस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। थोड़ी बात, ये मेरा बहुत प्रिय टॉपिक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। इतना समय नहीं है कि मैं बहुत लंबी बातें करूं, लेकिन एक आध बातें जरूर करूंगा। महर्षि अरविंदो, अकेले इनके ऊपर सारे दिन बात की जा सकती है, लेकिन मैं आपसे छोटी इतनी बात पूछता हूं, आप में से किसी को पता है महर्षि अरविंदो का बचपन का नाम क्या था पूरा? एनीबडी? आपसे ज्यादा एजुकेटेड तुम नहीं मिलने वाले मुझे बात का जीत करने के लिए। नहीं, मैं आपको नीचा दिखाने को नहीं कह रहा हूं, इसमें आपका दोष भी नहीं है। मैं बात यह बताना चाहता हूं कि हम भूल गए इनके बारे में। अरविंदो घोष का बचपन का नाम था अरविंदो एक्रॉयड घोष। अब आप सोचो, AKROYD एक्रॉयड मतलब क्या बनता? शुद्ध बंगाली नाम अरविंदो घोष, और बीच में आ गया एक्रॉयड, इसलिए आया क्योंकि उनके पिता बहुत एंग्लिसाइज थे। और वो ज्यादा लंबी बातें क्या करूं, उनकी मां बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी सुंदर थी, अच्छी थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी। उस परिवार में अरविंदो घोष के पिताजी ने सिर्फ अंग्रेजियत के नाते अपने बेटे के नाम में एक्रॉयड लगा दिया, सुनने में अच्छा लगेगा। अरविंदो एक्रॉयड घोष 7 साल के 7 ईयर्स की उम्र में, 7 साल की उम्र में उनको उनके पिता ने भेजा इंग्लैंड पढ़ने के लिए, और यह 7 साल का बच्चा 19 साल में ICS में आ गया, इंडियन सिविल सर्विस, जो आज आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने कभी सपना देखा हो ऑल इंडिया सर्विसेज का। ICS तो आज का IAS IPS सब कंबाइन कर दो तो भी उस ICS का आधा नहीं बनता।
The British ruled our country through the Indian Civil Services. और उसमें आने के बाद 19 साल के इस नौजवान ने या बच्चे ने नौकरी ज्वाइन नहीं की. वो किस्सा अलग है, पढ़ सको तो पढ़ लेना आप, लेकिन इतनी बात बताता हूँ आपसे. He came back to India, बड़ौदा कॉलेज में फ्रेंच पढ़ाई और फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद गए. और जो अलख जगाई उन्होंने अगले 10-12 साल तक 1890-92 से लेकर के 1902 तक, अरविंदो घोष ने ऐसी मानसिकता जगाई कि लगता नहीं है कि उस इसी मिट्टी में वो लोग पैदा किए जो आज हम नाम भूल गए उनका. अगर ये अपनी जिंदगी जीते, अगर इनकी मानसिकता भी 90% या 70% या 50% ये होती कि हमारी जिंदगी हमारी नौकरी ही है, इंडियन सिविल सर्विस कौन छोड़ता? ये दो तो आप फोटो सामने ही देख रहे हो. मैं आपसे जो बात अगली एक कहना चाहता हूं, एक कांड हुआ था काकोरी कांड, सुना आपने नाम काकोरी कांड सुना होगा आपने. एक ट्रेन लूटी गई थी लखनऊ के पास और चार लोगों को उसमें फांसी हुई. आप में से किसी को नाम याद है उन चारों का? प्लीज गेट अप एंड टेल मी. यस यस प्लीज कम अप. हाँ बताइए. Rajender, give a big hand to her. ये तीन, एक चौथा नाम, ये चार, the famous four I would say. ये नाम है रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी. ये जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि ये लोग लड़ने झगड़ने वाले नौजवान रहे होंगे, लड़ते झगड़ते अंग्रेजों से भिड़ करके फांसी चढ़ गए. बाद में आप में से किसी को नहीं मिली होगी पढ़ने नोमेश जी, अगर पॉसिबल हो इन्हें रामप्रसाद बिस्मिल की एक एक ऑटोबायोग्राफी आसानी से मिलेगी नहीं, लेकिन मैं एक कॉपी दे सकता हूं आपको, बाजार में नहीं मिलती. मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो लोग जिनकी शहादत की वजह से देश आजाद हुआ, जिनकी शहादत के चलते कोई शैलजा कांत यहां आपके सामने ये बात आज कह पाता है और आप सुन पाते हो, हम ये तो सोचें और जानें कि ये क्या सोचते थे, क्या था इनके दिलो जहन में जो ये कुर्बान हुए. रामप्रसाद बिस्मिल, मैंने आपसे कहा मुझे लगता था कि ये लड़ने झगड़ने वाले मजबूत कदकाठी के लोग रहे होंगे, भीड़ भड़ा करके फांसी चढ़ गए. और आपने सुना होगा वो सरफरोशी की तमन्ना, बोलिए आराम से, डरने की क्या बात है. सरफरोशी की तमन्ना देखना है जोर कितना, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है. He is gone. वो बता भी नहीं पाए, हम सुन भी नहीं पाए, हमें याद भी नहीं कि उनके दिल में क्या था. और ये 27 साल के रामप्रसाद बिस्मिल, 30 के, सॉरी अशफाक उल्लाह खान 27 साल के. मेरे पास एक चिट्ठी में लाना भूल गया, पोस्ट कार्ड जो उन्होंने अपनी फांसी के 3 दिन पहले अपनी मुंह बोली बहन को लिखा बनारस में. नोमेश जी वॉट अ चेस्ट इंग्लिश, वो जो पोस्ट कार्ड है वहां लिखते हैं अशफाक उल्लाह खान की, आई नो आई एम नॉट गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू लिव इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द कंट्री मैन फॉर एवर. हमें नाम तक नहीं याद रहा उनका, बाकी तो छोड़ दो आप. और वो अशफाक उल्लाह खान जिन्हें जब फांसी हुई फैजाबाद जेल में, मैंने वो जाके जगह देखी, चारों जहां फांसी हुई वो जाके माथा टेका वहां. अशफाक उल्लाह खान को फांसी हुई फैजाबाद जेल में, अंतिम इच्छा पूछी गई, अंतिम इच्छा वहां लिखी है दीवारों पे, आज भी लिखी होनी थी हमारे आपके दिलो जहन में, रह गई वो जेल की दीवार पे. और अशफाक उल्लाह खान क्या कहते हैं, कहते हैं कोई आरजू नहीं है, दीवार पे लिखी अब भी, कोई आरजू नहीं है, है आरजू तो बस ये
कोई आरजू नहीं है है आरजू तो बस ये रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में. आप ताली भी नहीं बजाते मेरे लिए थोड़ी, मेरे लिए नहीं, 27 साल के उस नौजवान के लिए जो इस उम्मीद में मरता है कि मरने के बाद उसके कफन में कोई इस देश की एक मुट्ठी मिट्टी रख देगा. और ये कोई फिल्म नहीं है, कोई फिल्म बनेगी भी नहीं, आप यकीन मानना. अशफाक उल्ला खान की छोटी सी जिंदगी, छोटे से कारनामे, एक फिल्म, फीचर फिल्म भर की तो गुंजाइश नहीं बनती. ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी कुर्बानियां. रोशन सिंह फांसी के दिन कसरत कर रहे अपनी जेल में, कुछ बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, सारी आपको मिल जाएगी इतिहास की किताबों में. रोशन सिंह फांसी के दिन कसरत कर रहे, जेलर ने पूछा क्या कर रहे हो, कसरत क्यों कर रहे हो, क्यों पता नहीं आज फांसी होने वाली, पता है फिर मकसद क्या इसका. रोशन सिंह ने कहा मेरा धर्म मुझे बताता है कि मरने के बाद जो कुछ इस जन्म में कमाऊंगा अगले जन्म में साथ लेके आऊंगा, और मैं भी ये शरीर बनाता हूं मजबूत, अगले जन्म में फिर वापस आऊंगा और तुमसे फिर लड़ूंगा. You have the minds, I know, but please have the heart to realize what were the contributions of these people who made us live in a free country, politically free country.